हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को, जिसको पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियोज हम लोग देख चुके हैं। तो ये जानना जरूरी है कि बायोलॉजी में हमारे एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह यहाँ पे किया गया। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये वे प्रश्न हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। इस वजह से और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत डिटेल में बायोलॉजी को कवर किया है। इस वजह से मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें लिखी हुई कम से कम 90% चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए, 90% चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला देर अच्छा कुछ चीज़ें हम लोग नहीं पढ़े हैं, अगर वो चीज़ें आती हैं तो मैं लेता हूं कि ठीक है, जो चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं वो चीजें मैं मान के चलता हूं कि आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहला है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। वर्गीकरण की तो ये मैं आपको नहीं पढ़ाया हूं। ये जो वनस्पतियों का, पशुओं का, पक्षियों का अलग अलग ग्रुपिंग होता है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे छोटी इकाई होती है ये होती जाति की, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज। क्या बोलते हैं? स्पीसीज यानी जाति। ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई होती है। आगे है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये मैं पढ़ाई हूँ आपको। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती काइटीन की। किसकी? काइटीन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे है कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। किसको? कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। आगे है जीवाणु यानी बैक्टीरिया तथा नील हरि शैवाल, ये किस जगत से संबंधित हैं, किस वर्ग से संबंधित है? तो मोनेरा वर्ग से संबंधित है। किससे दोस्तों? मोनेरा। बैक्टीरिया और नील हरि शैवाल ये दोनों के दोनों मोनेरा वर्ग से संबंधित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। आगे है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोष की जीवाते। दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, पहले यहाँ पर बॉटनी के क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद बायोलॉजी का आएगा, आप दिल को छोटा मत करो। मैंने अभी बॉटनी नहीं पढ़ाया है, बट आप देखते चलो। आगे प्रोटिस्टा जगत, अलग अलग जगत, जैसे मोनेरा जगत है उसमें बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं, प्रोटिस्टा जगत है इसके अंदर एक कोष की जीव आ गए हैं, जैसे अमीबा वगैरह होता है ना, एक कोष की जीव, ये जो किसके अंदर आते हैं, ये प्रोटिस्टा जगत के आते हैं। आगे है एनिमेलिया, एनिमेलिया जगत, ये अलग जगत है। एनिमेलिया जगत के अंतर्गत बहुकोशिकी और यूकैरियोटिक, नाम सुना ना, यूकैरियोटिक, ये दोनों जंतु किस में आते हैं? एनिमेलिया जगत में आते हैं। तो तीन जगत मिल गया, एक है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है एनिमेलिया, चौथा है दोस्तों लीनियस। लीनियस अभी हमने पढ़ा, लीनियस ने क्या किया था, जिनको वर्गीकी का पिता कहा जाता है, लीनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को विकसित किया है। ये इनके द्वारा खोज किया गया सबसे अभूतपूर्व खोज है। ठीक है, सबसे बेहतरीन खोज है। तो द्विनाम पद्धति का विकास किसने किया था? लीनियस ने। बहुत बार पूछा एग्जाम में। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। किसको बोला जाता है? अरस्तु को। अगला है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा किसको बोलते हैं? पादप वर्ग का जो उभयचर होता है उसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। ऐसे जो जीव पाए जाते हैं, जो वनस्पतियां पाई जाती हैं रेगिस्तानों में, उनको जीरोफाइट बोलते हैं ना, जीरोफाइटा। हाइड्रोफाइटा किसको बोलते हैं? जो जल में पाई जाती वनस्पतियां। इसी तरह बायोफाइटा है, ये पादप वर्ग के उभयचर को कहा जाता है बायोफाइटा। आगे है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए पराग कोष सबसे उपयुक्त भाग होता है, ये भी याद रखना है, क्योंकि ऐसे महिलाओं की बात करें तो आपको पता है उनका अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है, जो नलिकाएं होती गर्भ के अंदर वहाँ पे होता है। लेकिन अगर हम बात पौधों की करें तो उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है? पराग कोष सबसे उपयुक्त जगह होता है। आगे है जीवाणु भोजी, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला एक विषाणु है, एक ऐसा वायरस है। देखो जीवाणुओं को बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं, लेकिन वायरस माने क्या होता है? विषाणु। और याद रखो जीवाणुओं को जो संक्रमित कर दे, बैक्टीरिया को जो संक्रमित करने वाला विषाणु है वो क्या है? जीवाणु भोजी कहा जाता है, मतलब वो जीवाणुओं का भोजन के रूप में ग्रहण करता है। आगे क्या है? आलू एक कंद है, कंद माने होता है तना, आलू क्या है? एक कंद है यानी तना है। आगे स्टार्च, स्टार्च का नाम सुना ना, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हमारे शरीर के अंदर होता है। स्टार्च क्या है? ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाया था, पॉलीसैकेराइड बोला जाता है स्टार्च को। क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। आगे हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, जाहिर सी बात है, और द्वितीय वाले में कौन आते हैं? जो मांसाहारी होते हैं। आगे है अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा क्या है? ये एक तरह की घास की प्रजाति है, कई बार एग्जाम में पूछता है तो लोग गलत टिक करते हैं। अल्फा अल्फा क्या है दोस्तों? घास की प्रजाति है। ठीक है, आगे है एम्बिलिका
एम्बिलिका ओफिसिनोलिसिस, ये क्या है? ये अफीम का वास्तविक नाम है, एम्बिलिका, याद रहेगा? एम्बिलिका क्या है? अफीम का नाम है। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे के अंदर नग्न बीज पौधे पाए जाते हैं, अर्थात इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है? नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर बीज क्या होते हैं, फलों के अंदर होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म वर्ग के जो भी पौधे होते हैं इनके बीज नग्न होते हैं, बाहर होते हैं, फलों से बाहर होते हैं, ठीक है? नॉर्मली आप सेब की बात कर लो तो सेब के बीज क्या होते हैं, सेब के अंदर होते हैं। पपीता की बात कर लो, उसके बीज कहाँ होते हैं, सेब के अंदर, पपीता के अंदर होते हैं। तो नॉर्मली देखा जाता है जो बीज होता है वो फलों के अंदर होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म वर्ग के जो पौधे होते हैं वो नग्न बीज के होते वाले होते हैं। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे क्या होते हैं, जेली पादप वाले होते हैं, ठीक है? आगे है टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे जो होते हैं, इन इन पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है, तीनों हिस्से में होता है, ठीक है? जड़, तना और पत्ती, तो टेरिडोफाइटा। आगे आर्थोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, आर्थोपोडा, तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्थोपोडा। पेरीफेरा संघ के जीवों को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है, किस में आते हैं, पेरीफेरा में। सिलेंट्रेटा संघ के जंतु जलीय होते हैं, मतलब जल में रहने वाले होते हैं। इनका शरीर दो कोशिकाओं की परतों का बना होता है, क्या नाम है, सिलेंट्रेटा, ठीक है? आगे है मोलस्का, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। मोलस्का वर्ग के जीवधारी द्विपार्श्व समित होते हैं, मोलस्का। आगे पढ़ाऊंगा बॉटनी में, तो वहाँ डिटेल से बताऊंगा कि इनको याद कैसे किया जाए। आगे है इकाइनोड ब्रमेटा, ये जंतुओं में विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र में पाया जाता है। बिल्कुल परेशान मत होइए दोस्तों, हम लोग जब बॉटनी को कवर करेंगे तो वहाँ मैं आपको इन सारी चीज़ों को याद करा दूंगा, ठीक है? आगे है बट्री ब्रेटा, ये जो कशेरुकी होते हैं, सर्वाधिक विकसित जंतुओं का एक वर्ग है, जिनका नाम क्या रखा गया है, बट्री ब्रेटा, याद रहेगा? आगे द्विनाम पद्धति, वही लीनियस, याद आया ना, लीनियस, कैरोलस लीनियस रखो या तो सिंपली आप लीनियस याद रखो। साइनोबैक्टीरिया को प्रथम आकाश संश्लेषी जीव माना जाता है, प्रथम प्रकाश आकाश नहीं प्रकाश संश्लेषी जीव किसको माना जाता है, साइनोबैक्टीरिया को। आगे है वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं, जो वायरस होते हैं किससे बने होते हैं, तो न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। अगले है WM स्टैनले को वायरस के क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय प्राप्त है, इन्होंने क्या किया था, वायरस को क्रिस्टल के रूप में बांट करके देखा था और उस पर अध्ययन किया था, नाम क्या था, WM स्टैनले, ठीक है? जीव जंतुओं में जिनमें परस्पर जनन होता है, जाति स्तर पर सब क्या होते हैं, समान होते हैं। चपटे कृमि, सिलेट्रेटा, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में देहगुहा नहीं पाई जाती है, ये ऐसे जंतु होते हैं जिनमें देहगुहा नहीं पाई जाती है। यहीं आप प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, चप्पल के आकार के, इसका आकार होता है ना प्रोटोजोआ, है कि नहीं, तो ये सब याद रखो। पैरामीशियम होता है, प्रोटोजोआ नहीं, पैरामीशियम, सॉरी, ठीक है, ये अलग होता है। आगे देखिए, वास्तविक देहगुहा का निर्माण भ्रूणीय परिवर्धन के मीसोडर्म अवस्था में होता है, पढ़ाया था आपको मीसोडर्म ना, मीसोडर्म अवस्था भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान, तो इसमें क्या होता है, वास्तविक देहगुहा का निर्माण होता है। आगे है काइटिन युक्त बाह्य कंकाल कहाँ पाया जाता है, कीटों में पाया जाता है, जो भी कीट होते हैं इसमें जो बाहरी उनका त्वचा होता है किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। आगे है सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, वही कैरोलस लीनियस हैं जिन्होंने द्विनाम पद्धति का विकास किया था। कौन सी किताब लिखा इन्होंने, सिस्टेमा नेचुरी। आगे हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है, ये एक अद्भुत बात होती है, ठीक है, कि हाइड्रा में कोई भी मस्तिष्क नहीं पाया जाता, उसके बाद भी उसके अंदर तंत्रिका तंत्र का विकास होता है, ठीक है? और ये विज्ञापन के बारे में बता रहा है। दोस्तों देखो, कभी भी आप अगर स्टडी 91 को देख रहे हो और आपके चैनल पे अगर विज्ञापन आता है तो प्लीज़ मेरे भाई आप उसको पूरा देखा करिए, विज्ञापन को स्किप मत किया करिए प्लीज़, ठीक है? देखिए, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जाता है, हर सब्जेक्ट में आपको सपोर्ट किया जा रहा है, जितना भी मैं कर सकता हूँ वो सपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को एक लाइन लेंथ मिल जाए आपको पढ़ने की, एक आधार मिल जाए आपको पढ़ाई करने का, ताकि आप बढ़िया से पढ़ाई कर सको। आगे है क्षारीय मृदा में हेलोफाइटा वर्ग के पौधे अच्छी वृद्धि करते हैं, जहाँ की मृदा क्षारीय होती है, क्षारीय मतलब क्या है, पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ऐसी मिट्टी जहाँ का पीएच मान 7 से अधिक हो वहाँ पर जो पौधे होते हैं वो किस वर्ग के होते हैं, हेलोफाइटा वर्ग के होते हैं, और ये ज़्यादा वृद्धि भी करते हैं। सर्वप्रथम जेसी बोस मतलब जगदीश चंद्र बोस ने बताया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, ठीक है? चमगादड़ उड़ने वाला एक स्तनपायी जीव है,
इसको याद रखिएगा, स्तनपाई। आगे व्हेल सबसे बड़ा स्तनपाई है, इस धरती का सबसे बड़ा स्तनपाई, ठीक है। स्तनपाई मैंने समझे ना, जो अंडा नहीं देते हैं, बच्चा डायरेक्ट। आगे दलहन, दलहन मतलब दाल। दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, इसीलिए खेतों में अक्सर करके दलहन की खेती की जाती है एक दो साल बाद, ताकि जो भूमि है वहाँ पर नाइट्रोजन की भी स्थिति अच्छी हो जाए। उससे क्या होता है कि पौधों का विकास अच्छा होता है। उत्सर्जी तंत्र का गुण पादपों में नहीं पाया जाता है। जैसे हम लोग क्या है, हमारे यहाँ उत्सर्जी तंत्र होता है, अरे पसीना होता है, मूत्र होता है, मल निकलता है, ठीक है, लेकिन ये सब गुण जो है पादपों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो बढ़िया है ना यार, है कि नहीं, उनको गर्मी भी नहीं होता होगा, है कि नहीं। आगे थैलोफाइटा, ये पादप वर्ग का उभयचर होता है। थैलोफाइटा को क्या बोलते हैं, पादप वर्ग का उभयचर। हाइड्रा में रुधिर नहीं पाया जाता, और हाइड्रा में दिमाग भी तो नहीं पाया जाता है। अब बोलना किसी को दिमाग नहीं क्या, मतलब हाइड्रा हो क्या यार, एकदम से समझ ही नहीं पाया यार क्या बोला है, बोला बायोलॉजी में बात कर रहा हूँ। तो हाइड्रा में रुधिर नहीं होता है, फिर भी वो श्वसन करता है। रुधिर नहीं होता है, माइंड नहीं होता, फिर भी तंत्रिका तंत्र का विकास होता है उसमें, और श्वसन भी वो करता है। आर्थ्रोपोडा में काइटिन युक्त उपचर्म का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। और काइटिन कहाँ मिलता है, तो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि जितने भी जीव के होते हैं, ठीक है, उनका जो ऊपरी त्वचा होता है काइटिन का बना होता है, बाह्य कंकाल। आगे झींगा मछली, क्रेफिश और सिल्वर फिश, ये सब आर्थ्रोपोडा पोडा संघ के जीव हैं, ठीक है, और डबल लेयर में इनको काइटिन मिलता है, ठीक है। आगे है ऑक्टोपस मोलस्का संघ का है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्टोपस किस संघ का आता है, मोलस्का, सबसे बड़ा संघ है ना मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सब याद रखो। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग के रुधिर, जिसको हीमोसाइनिन के कारण पाया जाता है। हम लोगों में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हम लोगों का लाल रुधिर होता है, जबकि मोलस्का संघ के कुछ जंतु हैं उसमें नीला या हरा रंग का रुधिर पाया जाता है, खून, हीमोसाइनिन की वजह से। तो ये हीमोसाइनिन याद रखो, और संघ भी याद रखो मोलस्का, ठीक है। उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया डीएनए से डीएनए का निर्माण करती है, ठीक है। डीएनए द्विगुणन का सही विधि अधिपरिमित है, ठीक है, ये सब याद रखो। जब डीएनए पढ़ाऊंगा, डीएनए आरएनए भी मैं नहीं पढ़ाया हूँ, बहुत जल्दी ही पढ़ाने वाला हूँ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये पढ़ाया हूँ, तो इसके मुख्य अंतर में क्या है कि केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, ठीक है। आगे है वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था, तो बी डीएनए मॉडल दिया था, ठीक है। वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था, डीएनए मॉडल दिया था। आगे राइबोसोम्स प्रोटीन और टीआरएनए के बने होते हैं, किससे बने होते हैं, जो राइबोसोम होते हैं कोशिका के अगल बगल पाए जाते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं कलाविहीन कोशिकांग भी इसको कहा जाता है, कि कलाविहीन कोशिकांग है। प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्यी जालिका, अच्छा 3D डायग्राम में बना के आपको दिखाया था, ये चीज़ याद है आपको, अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम कोशिकांगों की भूमिका निभाते हैं, किस दौरान, जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तब। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए संश्लेषण का काम होता है, या उसी के काम में आता है। जो केंद्रक होता है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हो, केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकांड्रिया, जिसको शरीर का ऊर्जा घर बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है, तो ये माइटोकांड्रिया तथा हरित लवक में डीएनए पाया जाता है, ठीक है, इन सभी में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य मीसोसोम करते हैं, कौन करते हैं, ये भी याद रखें, मीसोसोम करते हैं, जबकि अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, तो वहाँ पर श्वसन का कार्य माइटोकांड्रिया के माध्यम से होता है। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल पौधों में उपस्थित होता है, जबकि जंतुओं में अनुपस्थित होता है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हाँ, हमारे यहाँ कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेंस, एक अर्ध पारगम झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेंस, ठीक है, या कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार जाने देती है, सभी को नहीं। प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम की सहायता से होता है, ऊपर भी पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन याद रखना, प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण दोनों ही राइबोसोम की सहायता से होता है। आगे है माइटोकांड्रिया का, माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तभी तो उसको ऊर्जा मिलता है, क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया के दौरान भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एटीपी के रूप में, एटीपी मतलब एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती, स्टोर रहती है। गाल्जी काय यानी गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की पैकेजिंग करना है, वो क्या करता है, उसको छोटे छोटे पैकेट्स में बना करके क्या करता है, तैयार करता है, गाल्जी काय का काम। गाल्जी काय को कोशिका के अणुओं के ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो विभिन्न प्रोटीनों वसा की पैकेजिंग करके एक स्थान पर क्या करता है, रखता जाता है, और इसके माध्यम से ट्रैफिक कंट्रोल भी करता है, ठीक है।
ट्रैफिक कंट्रोल मतलब शरीर के अंदर कोई गाड़ी तो चल नहीं है, शरीर के अंदर जो प्रोटीन है, वसा, इनकी जो पैकेजिंग चल रही है, इसको सिस्टमेटिक ढंग से रखना, ये गालजी काय करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, याद है ना। आगे हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को, हरित लवक को, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण होता है और हमारे शरीर में माइटोकांड्रिया के माध्यम से काम होता है। आगे है जीवाणु यानी बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गाई की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। आगे है अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज वन, पढ़ाया था ना, प्रोफेज वन टू थ्री, ठीक है। तो प्रोफेज वन की पैकेटिन अवस्था में, पैकेटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, किसकी होती है, पैकेटिंग अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में माता तथा पिता दोनों की ओर से आए समजात गुणसूत्र के क्रोमैटिड एक दूसरे को एक या ज़्यादा स्थान पर क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। इसके दौरान क्रॉस के स्थानों पर एक क्रोमैटिड का टूटा भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रॉसिंग ओवर कही जाती है। इसके द्वारा जीनों में पुनर्संयोजन होता है और संतान में नए गुण उत्पन्न होते हैं, अदरवाइज क्या हो जाता, सेम टू सेम फोटोकॉपी हो जाता है, है कि नहीं। आगे है समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के समान होती है, ये बहुत अच्छा बता दिया, याद रखिएगा। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका से आधी रह जाती है। अब ध्यान देना, जो समसूत्री विभाजन है वहाँ क्या होता है कि ये संख्या समान बनी रहती है, लेकिन अगर अर्धसूत्री है तो अर्धसूत्री का नाम ही क्या, आधा हो जाए, तो पैतृक कोशिका से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन अनकंट्रोल्ड मिटोसिस, इससे क्या होता है, इससे कैंसर की संभावना बनती है। समसूत्री विभाजन क्या करता है, यह शारीरिक वृद्धि और शरीर की जो कोशिकाएँ होती हैं उनकी मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है समसूत्री विभाजन। आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षार पाया जाता है, आरएनए में थायमिन के जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षार पाया जाता है। बुढ़ापे के लिए एजिंग जीन जिम्मेदार होता है, कौन सा जीन, एजिंग जीन, ये अलग से जीन होता है, ये जिम्मेदार होता है बुढ़ापे के लिए, ठीक है। कुछ जीवाणुओं जैसे राइजोबियम के अंदर नीफ जीन होता है जिसकी सहायता से जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम हो पाते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा है, अगर देखो पता है इस वीडियो सीरीज को अगर आप एक दो बार देख लोगे ना, कसम से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये मत सोचो कि क्या आता है क्या नहीं आता है, बस देख लो, ठीक है, देख लो बस। आगे है लंबी हड्डियों के सिरे पर लचीली संधियाँ गद्दियाँ उपास्थि की बनी होती हैं। अभी आपको लगेगा ये सब पढ़ के सर ये सब क्या हो रहा है, ये सब आउट ऑफ रेंज आ रहा है, नहीं आउट ऑफ रेंज नहीं, ये सब क्या है, अपने आप में टफेस्ट क्वेश्चन में लेकर आऊँ। अब फिर वही मैं छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता आपसे, बताओ सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, आप बताओ कि स्टेपीज, पढ़ के आप मतलब बता के आप खुश हो जाते, जब सर ने पूछा और हमने बता दिया, है कि नहीं। सबसे बड़ा क्या होता है, कौन सी हड्डी, फीमर हड्डी होती है, जांघ में पाई जाती, खुश नहीं, ऐसे नहीं करना है हमको, क्या करना है, जो हमने पढ़ चुके हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो कुछ हम लोगों के लिए नया मिल रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है कि नहीं। तो ये सब याद रखिए। रेखित और ऐच्छिक पेशियां कहाँ पाई जाती हैं, पादों में पाई जाती हैं, रेखित और ऐच्छिक पेशियां। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर विज्ञापन आएगा तो प्लीज़ मेरे भाई आप उसको देखना जरूर से, ओके, स्किप मत करना। तंत्रिका कोशिकाएँ एक्टोडर्म की भ्रूणी स्तर से बननी शुरू होती है, कहाँ सर, एक्टोडर्म की भूरी स्तर से। मास्टर कोशिकाएं सीरोटोनिन हिपैटिन और हिस्टेमिन का श्रावण करती हैं, ये सब आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तंत्रिका ऊतक उत्तेजनशीलता का कार्य करता है, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। आगे अस्तनियों में कुरफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती, यकृत में, ये बहुत बार पूछता है, कुरफर कोशिकाएं बहुत बार क्या, दो तीन बार पूछा है, लेकिन अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन है, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत कम लोग बता पाते हैं, कई लोगों को तो पता ही नहीं कुरफर कोशिकाएं क्या होती, याद रखो लीवर में पाई जाती हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है, और ऊतकों की मरम्मत किससे होती है, वो भी प्रोटीन से होती है। तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं। आगे है रेखित पेशी में मायोसिन और एक्टिन नामक प्रमुख प्रोटीन पाए जाते हैं, किसमें, जो रेखित पेशी होते हैं उसमें मायोसिन और एक्टिन। आगे है माइटोकांड्रिया की उपस्थिति में शरीर के कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय रहती हैं, जाहिर सी बात है रुधिर भी एक तरह का क्या ऊतक है, और कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है, बताया था ना। आगे है
और पसेंचरण है, परिसंचरण का काम करता है, यानी ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये काम भी किसका है, रुधिर का है। ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो विसैट ने किया था, विसैट, ठीक है। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक द्रव के माध्यम से होता है, ये अच्छा दिया है क्वेश्चन। ठोस अंतरांगों जैसे जिह्वा हो गया, किडनी हो गया, यकृत हो गई, तिल्ली हो गई, इन सभी पर इपिथिलियम ऊतक का रक्षात्मक आवरण पाया जाता है, किसका, इपिथिलियम ऊतक का। आगे है, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन घनाकार उपकला के रूप में होता है, तो ये तो हमारे में होता है, लेकिन हाइड्रा एक ऐसा है जिसको अगर उसके आप काट भी दोगे तो भी उसका पुनरुद्भवन हो जाता है, ऐसा जीव है। आगे है, एंडोथीलियम सल्की कोशिकाओं की बनी होती हैं, किसकी, सल्की कोशिकाओं को। दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप 2-3 बार देखो, तब तक देखो जब तक आपको याद ना हो जाए, लिखने का प्रयास भी मत करना, देखना। मास्टर कोशिकाएं में संयोजी ऊतक मिलती है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। स्नायु एवं कंडराएं क्या है, ये भी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं, स्नायु और कंडराएं। आगे कंकाल क्या होता है, मिसोडर्मी होता है, मिसोडर्मी। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं, त्वचा को, काली त्वचा पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों का कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कम प्रभाव पड़ता है, याद रखना, काली त्वचा पर। आगे मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया, तंत्रिकाएं हो गई, ये सभी तंत्रिकाएं ऊतकों की ही बनी होती हैं, ठीक है, और यहाँ तक कि रुधिर भी। आगे हृदय पेशियाँ केवल हृदय भित्ति यानी हार्ट वाल में पाई जाती हैं, ये तो स्पेशली मैं आपको एग्जाम्पल दिया था। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, माइटोकांड्रिया पाया जाता है, क्यों, क्योंकि हृदय ही ऐसा चीज़ है जिसको 24 घंटा काम करना है, धड़कना है ना। हृदय की पेशियों में संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में ना होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है, उसको आप ऐसा नहीं कि अपने हार्ट से आप उसको कंट्रोल कर लोगे, नहीं, उसकी जो पेशियां वो स्वयं उसको नियंत्रित करती हैं। पेशियों में लैक्टिक अम्ल की अधिक मात्रा हो जाने से थकावट का अनुभव होता है, और जब यही लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, पारविक एसिड में तब्दील हो जाता है, तो यह थकावट भी दूर हो जाती है। पेशियाँ मानव शरीर का औसतन 40 से 50% भाग बनाती हैं, मानव शरीर का, बाकी कंकाल के जिम्मे होता है। पेशी तंतु के आवरण को सरकोलेमा, याद आया, सरकोलेमा, व इसमें पाए जाने वाले द्रवों को सरकोप्लाज्म कहा जाता है, याद आया ना, सरकोलेमा। कंडरा पेशी किससे बना होता है, संयोजी ऊतक से। कंडरा पेशी को क्या करती है, हड्डी से जोड़ती है, कंडरा, कैंड्रा, याद है ना, भौतिकी, भौतिकी नहीं, औतिकी, औतिकी मतलब हिस्टोलॉजी, ये ऊतकों के अध्ययन को बोलते हैं औतिकी, क्या बोलते हैं, भौतिकी नहीं, औतिकी। अंतर्वर्तीय उपकला ऊतक मूत्राशय तथा मूत्रवाहिनियों के भीतरी दीवार का निर्माण करते हैं, याद रहेगा। आगे है, शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र के द्वारा द्रुत गति से होता है, याद रहेगा। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का निर्माण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा द्रुत गति यानी तेज गति से होता है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जाके बनता है, कहाँ पर, रेटिना पर। मनुष्य के आहार नाल में 2 अवशोषी अंग होते हैं, आहार नाल में, एक होता है सीकम, एक होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, दोनों पढ़ाए हम आपको, ठीक है। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन के वहाँ की क्षमता को प्रभावित करती है, क्यों, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, कार्बन मोनोऑक्साइड किसको बोलते हैं, CO को, तो CO को क्या भेज दिया जाता है, ये ऑक्सीजन के साथ पूरे शरीर में फैल जाती है, जहरीली गैस होती है भाई, ठीक है। मुख गुहा का एंजाइम टाइलिन यानी एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। डायलिसिस किससे संबंधित है, ब्लड का डायलिसिस कराया जाता है ना, किडनी से संबंधित है, ठीक है। और फिर से कहूँगा कि विज्ञापन आया तो पूरा देखिए, उसको स्किप मत करिए। आगे है, अग्न्याशय अंतः तथा बाह्य दोनों ग्रंथि कहलाती है, अग्न्याशय, ठीक है। आगे है, वसा का पाचन कहाँ होता है, तो अमाशय से स्टार्ट हो जाता है, फैट का। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से होता है, तो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, अंतर है देखो, अगर वसा का पूछेगा तो मुंह से मत कर देना, वसा का पाचन अमाशय से और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से, आप खा रहे हो उसी समय उसका पाचन शुरू हो गया। आगे अमाशय में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता, किसका होता है, जो फैट का होता है, ठीक है। नेत्रदान में कार्निया क्या होती है, प्रयुक्त होती है, मतलब कार्निया, नेत्रदान जब आप करोगे तो आपकी आँख पूरी नहीं निकाली जाती, केवल कार्निया निकाला जाता है। गृहिणी तथा छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, ठीक है, थोड़ा में। आगे है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, अमाशय में, और वसा का भी कहाँ होता है, तो अमाशय से स्टार्ट होता है।
पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है। हिपेटिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, हिपेटिन, ठीक है। विटामिन ए तथा डी ये कहाँ पे स्टोर रहता है? तो एकमात्र विटामिन विटामिन ऐसे हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहते, बट ए और डी स्टोर रहते हो भी कहाँ पे? लीवर में। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन में कौन इंपॉर्टेंट है? तो विटामिन के, इसको क्या बोलते हैं? नेफ्थोक्विनोन। क्या बोलते हैं? नेफ्थोक्विनोन। अमाशय में ऑक्सीटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है, HCl निकलता है, ठीक है, तभी तो पचता है खाना। पाचन तंत्र के पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, पाचन तंत्र के दौरान जो पित्त रस होता है उसमें क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। अमाशय की दीवारों का पेशी संकुचन पेरिस्टालसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस, ठीक है। भूख तथा तृप्ति हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में होता है ना, हाइपोथैलेमस यही बताता है कि हमको भूख लगा है, हमको तृप्ति हो गई है, ठीक है। ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 2 लीटर आंतरिक रस का श्रावण होता है, अच्छा आंतरिक रस का। आगे अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का श्रावण होता है। इंसुलिन के अधिक श्रावण होने से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, अगर शरीर में इंसुलिन कम हो जाए, इंसुलिन की कमी हो गई तो शुगर हो गया, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपो दोनों होता है, हाइपो और हाइपर। आगे जठर रस अमाशय, ये जठर रस जो होता है ये पाइलोरिक ग्रंथियों से स्रावित किया जाता है, कौन सी ग्रंथियाँ? पाइलोरिक। और इंसुलिन का श्रावण कौन करती हैं बताइए? बीटा कोशिकाएं, अग्नाशय में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाओं से निकलती है। वसी अम्ल और घिसलाल का अवशोषण लसिका कोशिकाओं के द्वारा आता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फैटी एसिड और घिसलाल इन दोनों का अवशोषण कौन करता है? तो हमारे शरीर की जो लसिका कोशिकाएं हैं ये करती हैं। एंड्रोगैस्ट्रोन अमाशयी श्रावण का अवरोधन करने वाला एक पदार्थ है। लार का श्रावण कौन करता है? तो लार टाइलिन, ठीक है, ये तो हमारे मुगुहा में होता है, बट निकलता किसकी वजह से, किसके कंट्रोल में होता है? तंत्रिका के कंट्रोल में होता है। जठरीय एवं अग्नाशय स्राव रासायनिक एवं तंत्रिकीय उद्दीपन के उदाहरण होता है, ये उसी के द्वारा होता है। हृदय गति को नियंत्रित करने में कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक पदार्थ की भूमिका निभाता है, ठीक है। रुधिर को वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। हिपेरिन क्या? एक तरह का प्रोटीन होता है जो रुधिर यानी ब्लड को जमने से रोकता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशियां किसकी होती हैं? जबड़े की, पढ़ाया होना। अकशेरुकी जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कैसा? खुला। आगे है हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट संकुचन तथा शिथिलन कहलाती है, लब डब आवाज़ उसकी। मस्तिष्क क्या होता है? एक्टोडर्मी होता है, एक्टोडर्मी। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर यंत्र से ज्ञात किया जाता है कि हमारे शरीर में हाई आरबीसी कितना है, और आरबीसी होना कितना चाहिए? 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर एमएम। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये क्या करता है? अंडोज सर्जन के लिए उत्तरदायी है। हृदय को रक्त पहुँचाने का कार्य कौन करता है? तो जो हमारे शरीर की कोरोनरी धमनी होती है वो करती है, कोरोनरी धमनी। आगे है हृदय धड़कन के नियंत्रण में थायरोक्सिन और एड्रेनलिन हार्मोन की भूमिका को निभाता है, ठीक है। श्वसन केंद्र में मेडुला स्थित होता है, बताया था ना मेडुला, कहाँ पर? श्वसन केंद्र। लसिका घाव भरने में भी सहायता करती है, लसिका। हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा मापा जाता है, जो चलता है ना इस तरह से, याद है ना, इस तरह चलता है ना, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आगे है रक्तदाब ब्लड प्रेशर जो होता है ये स्फिग्मोमीटर के उपकरण से मापा जाता है। दाद रोग ट्राइकोफाइटान नामक कवक के कारण फैलता है, ये याद रखना, ट्राइकोफाइटान, ठीक है, फाइट करना। मायोपिया या क्या? एक तरह का नेत्र दोष है, ठीक है। आगे देखिए फीता कृमि का संक्रमण सुअर का अधपका मांस खाने से होता है, अगर सुअर का मांस को ज़्यादा पका के नहीं खाओगे तो फीता कृमि के संक्रमण से शरीर में बैक्टीरिया फैल जाता है और ख़तरनाक रोग होता है। गठिया रोग कहाँ पर होता है? जोड़ों में जब यूरिक एसिड का जमा हो जाता है, घुटने हो गया, कहीं भी शरीर का जोड़ जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं, अगर यहाँ पर यूरिक एसिड का जमा हो गया तो गठिया नामक रोग होता है। BCG टीके का आविष्कार किसने किया था? तो यूरिन कालमेंट ने किया था BCG का, ठीक है। हाथी पाँव का कारक क्या है? बाउचेरिया बैक्टोफ्राइट है, ठीक है, एक तरह का मक्खी होता है जिसकी वजह से फैलता है। हाथी पाँव, पैर फूल कर क्या हो जाते हैं? हाथी जैसे हो जाते हैं। आगे डेंगू ज्वर ये किसके माध्यम से फैलता है? तो एडीज इजिप्टी नामक एक मच्छर है उसके वजह से फैलता है। पोलियो का विषाणु मेरु रज्ज के पृष्ठ श्रृंगों के ऊतक को नष्ट करता है, ठीक है। हेपेटाइटिस के लिए गामा ग्लोबुलिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है, हेपेटाइटिस के लिए कौन सा? गामा ग्लोबुलिन।
आगे है डायरिया, पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाला एक प्रोटोजोआ जन्य रोग है डायरिया। आगे स्लीपिंग सिकनेस यानी कि तुम सो जाओगे, सीसी मच्छी मक्खी अगर ये काट लिया तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा निद्रा में चो, बहुत नींद आएगी। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम यह मलेरिया जो होता है बुखार, मलेरिया है उसके परजीवी होते हैं। मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था, तो ए लेबेरान ने किया था। फाइलेरिया में मनुष्य की लसिका ग्रंथि क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, और यही लसिका ग्रंथि क्या करती है, हमारे शरीर को घाव से मुक्ति दिलाती है। कुनैन, कुनैन नामक जो दवा है ये सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से मिलता है, मलेरिया की दवा है। भारत में हेपेटाइटिस बी रोगियों की संख्या सबसे अधिकतम है। एस्पिरिन तथा पेंटोजोनिसिस जोनिसिन एस्पिरिन और पेंटाजोशिन नामक औषधियों में विलो से प्राप्त किया था, विलो, विलो एक तरह की वनस्पति है। कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट 60 रेडियोधर्मी तत्व का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कैंसर कोशिकाएं उत्पन्न करने के लिए ऑन्कोजींस जिम्मेदार होता है, क्या, ऑन्कोजींस। आगे है रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया कहा जाता है, ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया। इंसुलिन का श्रावण कौन करता है, अग्नाशय की ग्रंथि करती है और बीटा कोशिकाएं वहां से। अस्थि तथा त्वचा कैंसर सरकोमा समूह के प्रकार का एक कैंसर है, सरकोमा समूह। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कुनैन दवा सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। रॉबर्ट कोच ने प्रमाणित किया कि पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग एक तरह के सूक्ष्मजीवी जीवाणुओं के द्वारा होता है। हिप्पोक्रेट्स को क्या माना जाता है, औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है, उनका पिता माना जाता है हिप्पोक्रेट्स को। स्वाइन फ्लू नामक रोग फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है, इन्फ्लुएंजा H1N1, ठीक है। आगे है लौह तत्व यानी आयरन की कमी के कारण रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी जब होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया नामक रोग होता है। आयोडीन की कमी से गला घोटू रोग यानी ग्वाइटर होता है, ठीक है, इसको घेघा रोग भी बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है इम्यूनोलॉजी का जनक। थोड़ा सा और देखिए, बस ख़त्म होने वाला है। आगे है सूरजमुखी तेल हृदय के रोगियों के लिए उपयुक्त होता है, फॉर्च्यूनाइल, ठीक है। आगे है ज्वर में रक्त कणिकाओं में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, सूजन आ जाता है। जापानी इन्फ्लेसाइटिस स्टार्ट हुआ था गोरखपुर से, सुअरों से फैलने वाली बीमारी है, यह विषाणु जनित रोग है, वायरल वाला रोग है। एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया था। कैंसर कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण होता है, इसीलिए कैंसर बहुत तेजी के साथ फैलने वाला रोग है। हेपेटाइटिस यकृत की बीमारी है जो विषाणुओं द्वारा फैलती है, हेपेटाइटिस, ठीक है। मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स चावल मक्का चीनी तथा शकरकंद से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ से मिलता है, तो चावल हो गया, मक्का हो गया, चीनी हो गया, शकरकंद हो गया, इससे मिलता है। भारत में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण योजना NMCP ये कब स्टार्ट किया गया था, तो 1853 में हुआ था। इटाई नामक रोग का कारक क्या है, कैडमियम है, कैडमियम, ठीक है। आगे MRI तकनीकी में शरीर का विस्तृत प्रतिबिंब पाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र एवं रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, तभी तो प्रतिबिंब मिलेगा। पोलियो क्या है, एक विषाणु जनित रोग है। आगे है रिम्फैम्पिसिन नामक दवा TB रोग में इस्तेमाल किया जाता है। किसी जीव के किसी लक्षण विशेष के परिवर्धन को जीन नियंत्रित करता है, जो जीन होता है उसी को रोके रखता है। वंशागति का भौतिक आधार क्या है, क्रोमोसोम को कहा जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इस किताब को लिखा था चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, और इनका सिद्धांत भी काफ़ी फेमस है। और इनका सिद्धांत क्या था, प्राकृतिक वरण के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं चार्ल्स डार्विन। इसके अलावा स्लीडेन तथा स्वेन का नाम सुना होगा, इन्होंने कोशिका सिद्धांत पर अपना मत दिया, अपना विचार दिया। वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वाल्टर सटन ने किया था, ठीक है। लिंग संलग्नता की खोज किसने किया था, एच मार्गन ने किया था, ठीक है। आगे है संरचनात्मक जीन अवधारणा में प्रचारक वर्धक और नियमन, ये किसके माध्यम से होता है, तो जीन के माध्यम से होता है। मेंडल का नियम एक अपवाद संलग्नता है, ठीक है, मेंडल का नियम, ग्रेगरजान मेंडल। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया एक तरह का उत्परिवर्ती जीन के कारण होने वाली बीमारियां हैं। क्रोमोसोम की संरचना DNA एवं प्रोटीन से बनी होती है, पढ़ाया था ना आपको। आगे एक जीन एक एंजाइम, यह सिद्धांत किसने दिया था, तो बिडिल और टैटम ने दिया था। NDRI करनाल है, हरियाणा में है, करा वहाँ के वैज्ञानिकों ने भैंस का दूसरा क्लोन विकसित किया है, ठीक है।
दूसरा क्लोन, ठीक है। आगे देखिए, शरीर रचना के क्रस्टेशियंस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है। अब देखिए, ये सब बॉटनी वाले हैं। जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व अनुवांशिक विभिन्नताएं हैं। अनुवांशिक, अब देखो ये सब एक एक लाइन में आप जो नहीं पढ़ाए हैं उसके मैं क्या डिस्क्राइब करूँ, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जल्दी से एक बार ख़त्म कर लेता हूँ, तब इस सीरीज में आपको और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल याद रखो, अनुवांशिकी एवं विकासी परिवर्तनों की संभावना उन जीव जंतुओं में अधिक होती है जिनमें द्विविभाजन द्वारा प्रजनन की क्रियाएं होती हैं। तो उसी में तो अनुवांशिकी काम आएगा। अरे द्विविभाजन भाई, ठीक है। तो जीन शब्द को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, तो डब्ल्यू एल जोहेंसन ने दिया था। अच्छा देखते हैं एक मिनट कितना दिया है, बस ज़्यादा नहीं, 4-6 और है। आगे बोल रहा है कि प्रोटीन अणुओं का अमीनो अम्ल में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो जीन के माध्यम से ही होता है। सर्वप्रथम कृत्रिम जीन की प्रयोगशाला का संश्लेषण किसने किया था, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था, इसके लिए इनको नोबेल भी दिया गया था। ग्रेगर जान मेंडल ने आनुवंशिकता पर अध्ययन किया 19वीं शताब्दी में। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में प्रकाशित हुई थी। डार्विनवाद की सबसे बड़ी विभिन्नता की उत्पत्ति और कारणों की व्याख्या का अभाव सबसे बड़ी कमी थी। संघर्ष, जीवन संघर्ष में योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, और साथ ही साथ अल्फ्रेड रसेल वैलेस ने भी दिया था। क्रोमोसोम कॉम्प्लेक्स में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीवोम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जीवोम कहा जाता है। एनिलिडा और आर्थोपोडा, ये संघ का संयोजक कौन है? जंतु परिपेट्स हैं। अब ये सब पढ़ाऊंगा बॉटनी वाले में, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, घबराइए मत। जैव विकास के क्रम में सरीसृप से उड़ने वाले प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स का विकास जुरैसिक काल में हुआ था, ठीक है। ये उड़ने वाला पक्षी था, बहुत भारी, खासियत है कि सरीसृप वर्ग के था। मेंडल ने अनुवांशिकी संबंधी अपने प्रयोग मटर के पौधे यानी गार्डन पी पर किया था। आगे ग्रेगर जान मेंडल को अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। पटाऊ सिंड्रोम क्रोमोसोम संख्या 13 की ट्राइसोमी के कारण होता है। और आखिरी क्वेश्चन है, वड़ांता को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। हीमोफीलिया को रक्त श्रवण रोग भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आए दोस्तों, तो उसको आप पूरा देख लीजिएगा। देखिए, एक बात कहना चाहूँगा कि ये सीरीज अपने आप में थोड़ी टफ थी और बहुत ही स्टैंडर्ड थी, तो इसको देख करके आप घबराइएगा मत, एक दो बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सामान्य तरीके से जो प्रश्न आते हैं वो मैंने नहीं पूछा था। आगे बना दूंगा, सामान्य प्रश्न भी बना दूंगा। तो ये मैं सबसे हाई फाई क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया था, तो मुझे लगा यार कि अगर आपको ये लगता हो कि नहीं बायोलॉजी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसके लिए भी आप अलर्ट हो जाइए, कभी और भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।